नमस्कार दोस्तों, तो आज कहानी की चिनकी में हम आपको बताएंगे कि नींबू को लंबे समय तक स्टोर कैसे कर सकते हैं। कई बार अपने यहाँ नींबू आ जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप इस टाइप से इनको स्टोर कर सकते हैं। हमने सिल्वर फॉल लिया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। नींबूओं को धो के साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है और एक एक नींबू करके इस टाइप से सिल्वर फॉल में हम लपेटते जाएंगे। और नींबू हमारे तो थोड़े से पुराने हो गए हैं, लेकिन नींबू बिल्कुल फ्रेश लेने चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़े थोड़े दाग आ जाते हैं। और मैं 3-4 दिन बाद रख रही हूँ इसमें। तो इस टाइप से सारे कर लिए हैं, आप देख सकते हो। और अब क्या करेंगे, जैसे हम कोई डब्बा लेंगे, इस टाइप से लें, आप कोई भी डब्बा ले सकते हो। मेरे पास ये डब्बा था खाली, तो मैं इसमें रख रही हूँ और इसमें हम सेट कर देंगे सारे। इसी टाइप से हम पैक कर लेंगे। हमारे पास ज़्यादा नींबू थे, एक और डब्बा ले लिया हमने। इस टाइप से छोटे छोटे नींबू थे जो हमने एक में ही पैक कर दिए। इस टाइप से जो भी है हमारे बचे हुए वो भी पैक कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक महीने बाद बताऊंगी इनको कि इनका क्या है, मतलब सही है कि नहीं है। क्योंकि कोई जब तक मैं अजमा नहीं लेती हूँ तब तक मैं YouTube पर कोई भी चीज़ नहीं डालती हूँ। जो सक्सेस होती है उसी को डालती हूँ। तो अभी हम इस टाइप से भर के रख देते हैं इनको, फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे। और फिर देखते हैं, एक महीने बाद दिखाऊंगी कि इनका क्या रिजल्ट आता है। तो इन नींबूओं को एक महीना हो गया है सही रखे हुए, तो मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे जब तक पूरा यकीन नहीं होता है ना, तब तक मैं कोई चीज़ नहीं बताती हूँ करके। तो जैसे हम एक नींबू निकालते हैं इसमें से कोई सा भी, है ना। तो जैसे हमने ये नींबू निकाला और इसे खोल के देखते हैं कैसा है ये। बस ये है कि जब भी आप नींबू रखें तो नींबू बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें ऐसा आया है, बाकी का पूरी तरह सही है ये। एक बार खोल के देख लेते हैं। जैसे छोटे छोटे नींबू थे तो हमने दो एक साथ कर दिए थे, तो ये भी देखते हैं किस टाइप से निकलते हैं। ये देखिए, एक महीने बाद बिल्कुल फ्रेश नींबू निकल रहे हैं। और ये भी थोड़ी सी बरसात का टाइम चल रहा है, हल्का सा ही पील आ गया है इस टाइप से। और थोड़े नींबू भी हमारे बाहर भी रखे रहे थे 2-3 दिन जब हमने इसमें लपेटे थे। लेकिन आप ताज़ी नींबू लोगे बिल्कुल, तो आपके बिल्कुल इस टाइप से नींबू निकलेंगे। पूरा एक महीना हो गया है और अभी और भी रख सकते हैं इनको आराम से। हमारे यहाँ तो सारे ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो मैं अभी और भी ज़्यादा दिन रख के बताती आपको, क्योंकि हम इसी में से यूज में ले रहे हैं। ये देखिए, आपको देख सामने सामने दिखा रही हूँ मैं खोल के। ये इस टाइप से निकले हैं एक महीने बाद नींबू इसमें। तो आपको पसंद आती है ये ट्रिक तो आप मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं वही दिखाती हूँ जो सही होता है। मैं कहीं से भी कोई टिप्स देखती हूँ तो पहले करके देखती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा नींबू निकल रहे हैं इसमें से एक महीने बाद भी। और आप लंबे समय तक रख सकते हो, पर लेकिन नींबू बिल्कुल फ्रेश लें जब भी रखें। तो मैंने 3 दिन बाद रखे थे तो थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा ये लग रहा है, पर इतना ऐसा कुछ नहीं है, बस कलर बदल गया है यहाँ से। तो इस टाइप से आप ये ट्रिक कर सकते हो, आपके पास जब भी नींबू आए तो।